इन्होंने नया फ्लैट खरीदा है और कह रहे हैं कि बस मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका नंबर ये है, मोहम्मद अली उनका नाम है, आप उनको कॉल करके उनका टिकट बना दें। अच्छा, ये नंबर जो हमें दिया है, नंबर दिया नवेद साहब ने। सो नवेद साहब, आपके जो रिश्तेदार हैं इनका का टिकट अब बनाने जा रहे हैं, लेट्स सी। तो इनको क्या बोलने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, मोहम्मद बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मोहम्मद साहब, काशिफ बात कर रहा हूँ, काशिफ अब्बासी। काशिफ अब्बासी कहाँ से? जी काशिफ अब्बासी, ये आपके गुलशन से बात कर रहा हूँ। ये असल में मैं, आप मुझे नहीं जानते भाईजान, मैं असल में आपके ये जो अपार्टमेंट में आपने फ्लैट लिया है ना, आपने हाँ अभी जो आपने नया फ्लैट लिया है, मैं उधर ही रहता हूँ। तो ये यूनियन वालों से मैंने आपका नंबर लिया, यूनियन वालों को पता, यूनियन पता चला आपका सामान सामान यहाँ से आना शुरू हो रहा था थोड़ा बहुत, तो हमने कहा यार कोई लगता है आ गया, किसी ने घर ले लिया। तो भाई सबसे पहले माशाल्लाह से भाई यहाँ पे हमने घर लिया है, माशाल्लाह शिफ्टिंग हो रही थी। तो भाई सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सर ये कितने का पड़ा आपको घर? ये 68 का लिया भाई हमने। अरे 68 का? हाँ बड़ा, वरना आपको पता है इतनी महंगाई है। नहीं सस्ता, मैं वही कह रहा हूँ, सस्ता पड़ गया आपको, सही दाम में मिल गया आपको। हाँ, मिलता मिल गया, अच्छा मिल गया। हाँ गुलशन के इलाके में ऐसा घर उस तरह दो कमरे का तो कहा भी था, लेकिन चलो अल्लाह की रहमत हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने आपके, कितने बच्चे बच्चे कितने? ऐसे ही मतलब जनरली चार? माशाल्लाह माशाल्लाह, चार बच्चे हैं आपके। अच्छा ये फ्लैट तो अच्छा है, हवादार भी है, और आप लोग, हम लोग सोचा कि यार आप आए हैं तो हम जो है ना आपसे एक अपनी सलाम दुआ भी हो जाए, बता भी दें यार, मुबारकबाद भी दे दें, क्योंकि मोहल्ले में जब कोई नया आए तो कहते हैं रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले पड़ोसी आते हैं इंसान के ना। नहीं नहीं, आपको खुली और मेरी तरफ से दावत है, आप आए, भाभी को लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी मेरी बेगम मेरे साथ ही बैठी, हम बैठे थे, हमने सोचा यार आपको कॉल करके ना, अब छुपाना नहीं चाहिए, तो एक आध चीज हम आपको वो ना पहले से बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे जी भाईजान? वो ये जो फ्लैट है ना, ये जो आपने लिया है भाईजान, ये जो मैं आपको क्या, ये जो फ्लैट है ना भाई, इसमें ना आशेब है। आशेब है जी इसमें ना, मैं आपको बताता हूँ। देखें चक्कर क्या है कि इस फ्लैट से ना आवाज़ें आती हैं बच्चों के खेलने की, हालांकि ये 3-4 साल से बंद आई है, लेकिन ना बच्चों के खेल, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं इसमें से। और सुबह के टाइम ना, जवाल का जो टाइम होता है ना 12 बजे के करीब, झाड़ू झाड़ू की आवाज़ें आती हैं इसमें से ना, बंद, हालांकि फ्लैट बंद है। लोगों ने बताया, बच्चों ने बताया, ऊपर जो चौथे माले पर रहती है ना शहनाज बेगम, उन्होंने भी बताया कि बात पूरे अपार्टमेंट में फैली हुई, चौथे फ्लोर पे बच्चे गेंद चली जाए तो गेंद उठाने नहीं जाते, मतलब ऐसा वो डरे हुए हैं सब के ना इधर। और अक्सर छन छन की आवाज़ें आती हैं रात के टाइम ना, जो तीसरी मंजिल पे लोग रहते हैं ना, वो बताते हैं कि यार ऊपर के माले से ना ये छन छन, लगता है कोई पाजेब पहन के चल रहा है अंदर। मैं तभी कहूँ कि इतना सस्ते में कैसे दे दिया उसने। मोहम्मद अली साहब चक्कर क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी हो रही है 80-85% मिलता है, आपको 68 में मिला, अल्लाह ने दिला दिया तो अच्छा है, लेकिन देखें कोई ना कोई तो वजह होगी ना भाई। मैं तो पहले दिन ही समझ गया था, मुझे शक हो गया था मैंने, क्योंकि जैसे मैंने दरवाजा खोला था ना जी जी, तो चमगादड़े आपस में जुड़ी हुई थी, चिपकी हुई, तो मुझे देख के उड़ गई। बता रहा हूँ ना भाई, ये जो सस्ता मिला है ना ऐसे ही नहीं मिला, अक्सर यहाँ पे ना वारदातें, मतलब आवाज़ें आती हैं अंदर से अजीबोगरीब, बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी उसे मैंने, मेरी बेगम से बात करी, बेगम बताओ उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है, आपको फंस गए बस। ये हकीकत है ना ये बात, ये बिल्कुल, जो भाई साहब बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हकीकत है, पहले हमें पता नहीं था, किसी ने हमें बताया कि बहुत मेहनत से इन्होंने पैसे जमा करके अपार्टमेंट लिया है और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, तो फिर हमने आपका नंबर ट्रेस किया और फिर हमने आपका नंबर लेके आपको कॉल की। आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, नाइंसाफी हुई है भाई। मैं तो कहता हूँ जो धोखा करते हैं ना लोगों के साथ, उनको
को हो जाए, चाहे लड़की करे या लड़का करे। आप ऐसा क्यों मेरी नहीं करते? तो दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं। मेरी बात सुनो, तो करते हैं ना लोग, पैसों के टकों के लिए अपनी इज्जत नीलाम करते हैं, लानत से उनकी जिंदगियों पे। आप ऐसा करें, पूरे मोहल्ले के लोगों को लेके रैली निकाल लें छोटी सी, हम भी साथ। रैली क्या निकालूं, मैं तो कहता हूँ मोहम्मद अली भाई, मोहम्मद अली भाई जी, आप ना रैली नहीं रेडी निकाल लें। अब रैली को छोड़ें, अब आप करना क्या है ये बताएं। मैं एक मौलवी साहब है, खत्म वतम करा देंगे कुछ करें, या तो आप जो है ना बकरा बकरा कोई काला बकरा जो है ना। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अब तो मतलब आपने मेरी जो है ना करके रख दी, अब मैं और ज्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ। मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ आमिल शामिल का। पहले तो मैं हिसाब किताब लगवा के सफाई करवाऊंगा, कुरान पाक चीज की ना, कुरान पाक का खत्म करवाए। सही है, वहाँ पे जलेबियां सही कह रहे हैं भाई। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आगाह कर दिया, शक तो मुझे था पहले भी। और तो क्योंकि पता क्या हुआ, जब शिफ्ट हुआ हूँ उसके तीसरे दिन मेरे गुद्दी पे रख के कोई रेपटा मार के गायब हुआ। यार ये तो बंदा तो कोई है नहीं, तो ये कैसे चमाट पड़ गया मेरे गुड्डी। हेलो जी जी, गुड्डी पे मार के भाग गया आपको? अरे गुड्डी पे मारा फिर मैंने गाली दी पंजाबी में। यार अल्लाह आप पे रहम करे, बस मेरा काम था आपको इत्तला करना, बाकी जो नहीं है ना, यार पहले बता देते। बल्कि आप एक काम करो ना, रात को मेरे घर आ जाओ, दोनों एक साथ भाभी को भी ले आना, भाभी को भी ले आना। अबे ओ बघेरा आदमी, हेलो हेलो बघेरा, हेलो ओ भाई कौन आदमी है भाई, तू कैसी बातें कर रहा है यार, क्या आदमी है यार, क्या हो गया? अबे भाई मेरी बात सुनो, मैं एक शो से कॉल कर रहा हूँ, मैं एक शो से कॉल कर रहा हूँ, वो आगे से गया कटाकट शो से। तुम्हारा ये क्या है, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, हम तो तुम्हें बता रहे थे तुम्हारे फ्लैट का मसला, तुम तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अकेला मैं रह रहा हूँ, अभी तो फैमिली नहीं है ना, तो मिलके रह लेंगे, यही बोला मैंने। आसिफ वाला घर है मेरा, तो आसिफ वाला घर है भाई, तू खुद रह ले आसिफ वाले घर में, हम नहीं आएंगे इस घर में, हमें तो पता चल गया था, तो हमने कहा बता दूं तुझे। तुझे क्या होता है, अभी आप पाप कर रहे थे, आप तुझे बोल रहे हो, बात ही गंदी की है इतनी, इस गंदी बात के बाद मैं क्या करूं, बात से रोंगटे खड़े हो गए इनके। क्या गंदी बात करते भाई, क्यों आपको अकेले नहीं आती? मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपने मुझे आगाह कर दिया। चलो सही है भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने तू बोल दिया आपको, प्रैंक कॉल, ये प्रैंक कॉल थी यार, एक शो होता है उस शो से कॉल की है, जैन बात कर रहा हूँ, आपके एक जानने वाले हैं, एक सेकंड नवीद भाई हैं आपके जानने वाले, पता नहीं कौन नवीद है। यार मुझे किसी नवीद ने आपका नंबर दिया कि आप उनके रिश्तेदार हैं और आपने फ्लैट में कोई शिफ्ट हुए हैं, आप नया फ्लैट लिया, तो आप भाई नवीद को भी चिमटे, वो आसिफ तुम्हें भी चिमटे, और तुम्हारे साथ जो लड़की है उसको भी चिमटे। सॉरी भाई, माफी चाहता हूँ यार, आपको मैंने तंग किया, आप तो उल्टे हम पे आ गए यार, बहुत माजरत यार। तुम कॉल कर करके मजे ले रहे हो, आसेब आ गया, आसेब आ गया, अल्लाह का शुक्र है भाई, कोई आसेब वासेब नहीं है, मैं तो तुम्हारी कॉल जा भाई, मैं समझ गया था खेल ले हो तुम, सुना जाओ। गाली नहीं देते भाई, टीवी पे गाली नहीं देते, कराची वाले लोग इतने बदतमीज होते हैं, हो या बुड्ढे बीवी हो, जो जो भी हो, चलो खराब नहीं करो अब। ओके अल्लाह हाफिज, इससे पहले कुछ और बोले, अल्लाह हाफिज भाई, हम जा रहे हैं, कॉल ही काट दी यार, ये ऐसे पतन देखो होते हैं, हमें क्या पता कौन क्या है भाई, उसने हम क्या बात करे थे, उसने आगे से एंड कर दिया, पहले से समझ गया था, मैं पहले से समझ गया, लगा मुझे समझ आ गई थी आप लोग खेल रहे हो मेरे साथ। और जिसने नंबर दिया, मुझे लगता है कि जिसने नंबर दिया ये उसको जानता नहीं, बाकी नहीं होगा, किसी ने जानबूझ के हमारे साथ प्रैंक किया, इसको पता था कि कोई पक्का आदमी है, इसको कॉल करवाओ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।